नमो नम च पुनरेकदा स्वागत अहम अशोककुम वयम शेमुषी द्वितीय भागस्य जननी तुल्यवत्सला पंचम व्याकरणस्य अंशान् अभ्यासं अभ्यास पठिष्यामः पाठस्य शीर्षक अस्ति जननी तुल्यवत्सला प्रथमे भागे वयम पाठस्य अर्थम अर्थ आस्म प्रिय छात्रों पंचम पाठ के पूर्व भाग में हमने पाठ के अर्थ को समझा था आज हम द्वितीय भाग में परीक्षा की दृष्टि से पाठगत व्याकरण और अभ्यास कार्य को करेंगे अधुना वयम शब्दार्थान पठा प्रथम शब्द अस्ती बलिवर्दाभ्या दो बैलों के द्वारा क्षेत्र कर्षण क्षेत्र क्षेत्रकर्षण पदे षी तत्पुरुष इति अस्ती बच्चों क्षेत्रकर्षण जो शब्द है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास आया है जवेन अर्थात तीव्र वेगेन तीव्र गोदनेन कष्ट प्रदान पीड़नेन जब वो बैल उठ नहीं रहा था तो उसको धक्का मार करके कष्ट पहुंचा करके कभी मार पीट करके कर रहा था तो उसके लिए यहां पे बच्चों तोदनेन ये शब्द आया है नुद्यमान नियमान नुद धातु में जब हम शानच प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये नुद्यमान शब्द बनता है हलम उड़वा, हलम उत्थाप्य हल को कंधे पर रख करके बैल खींचता है तो हलम हलम उत्थाप्य पपात अपतत गिर गया कृषि वल कृषक उत्थापयी तुम ऊपरी ने तुम वृषह वृषभ बच्चों यहां पर केवल ये वृष वरिश या वृषभ शब्द ही नहीं आए हैं बल्कि बलिवर्द ऋषभ एयवाचि शब्द अपि पाठे आगता सही धेनू गवाम नेयनाभ्या चक्षुर्भ्याणी नयनजल अथवा नेत्रजल आवीरासन प्रकटिता आ आगए सुराधिप सुराणिप अथवा इति पदे षष्ठी तत्पुरुष अस्ति। अस्थित छात्रा इंद्र से पाठे अनेकानि समानार्थक पदा आगता है पशा तब पदा एक बार देखते हैं वे कौन कौन से शब्द हैं जो इंद्र के अर्थ में हैं पहला है सुराधिप धिप कौशिक वास्व आखंडलश्च तो यहां पे पाठ में सुराधिप त्रिदशाधिप कौशिक वास्व आखंडल ये शब्द इंद्र के लिए आए हैं इन सब का अर्थ इंद्र ही है कृच्छरेण काठिन्न कष्टेन कठिनता से इतरम इव अपरम इव दूसरे बैल की तरह से ये शब्द वहां पर आया है जहां आया है कि एक बैल शरीर से दुर्बल था और दूसरा बैल की तरह से दूसरे बैल की तरह से वह जुए को उठाने में समर्थ नहीं था तो यहां पे यह शब्द आया इतरम इव अपरम इव सह हलम वोढ़ुम न शक्नोस्मा वोढ़ुम वहनाय योग्यम ढोने के लिए ले जाने के लिए भार का वहन करने में अत्र वह धातुना सह तुमुन प्रत्यय युक्त अस्ति। बच्चों शब्द को बनाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है और इसमें धातु प्रयोग हुई है वह धातु प्रत्यवोचत प्रति धन अवोचत प्रत्यवोचत अर्थ अस्त प्रत्यवदत अर्थात तो वापिस जवाब दिया प्रत्यवोचत इति पदे यण संधि अस्ति बच्चों जानते हो प्रत्यवोचित शब्द में कौन सी संधि है यहां पर यण संधि है प्रति और अवोचत दो शब्द जुड़ करके ये प्रत्यवोचत शब्द बना है नूनम निश्चय वात्सल्यम स्नेह भाव अपत्यानी संत अर्थात पुत्र पुत्रय पुत्र बेटे बेटियां संताने विशिष विशेषतः विशेष रूपेण तुल्यवत्सला अर्थात जहां पर माँ का स्नेह समान रूप से एक जैसा रहे सभी बच्चों के लिए वहां पर ये विशेषण के तौर पर उस सुरभि के लिए तुल्य वत्सला शब्द आया है अर्थ अर्थम पश्या समान स्नेह युक्ता सुत पुत्र अथवा तनय भ्रिशम अत्यधिकम बहु अधिकम आखंडल देवराजस्य इंद्रस्त शीघ्रम चंड वातेन बच्चों चंड शब्द के साथ में जब हम प्रोपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो जाता है प्रचंड वातेन प्रचंड अर्थात तो बहुत तेज वातेन वायु के द्वारा वेग युता वायुना मेघ रवई ही मेघा नाम रवई ही रव शब्द छात्रों यहाँ ध्वनि के लिए आता है तो बादल जब वर्षा ऋतु में गरजते हैं कड़कड़ कड़कड़ की -कड़ गरजने की आवाज़ आती है और उसके बाद में जब बारिश होती है तो उसके लिए मेघ रव शब्द का प्रयोग होता है तो मेघा नाम रवई ही मेघ रवई ही इति पदे तृतीय तत्पुरुष समास अस्ती मेघरवई ही मेघ प्रवर्ष वृष्टि हिंदी में वृष्टि को हम वर्षा या बारिश कहते हैं जलस्य उत्पात शब्द के लिए आता है इतनी बारिश हुई थी कि पानी ही पानी भर गया जैसे उत्पात पानी मचा रहा हो बारिश के कारण कर्षण विमुख कर्षणत विमुख कर्षण क्या है खेत की जो जुताई का कार्य चल रहा था उससे वो विमुख करके उस कार्य को छोड़ करके घर के लिए गया है तो वहां पर ये शब्द आया कर्षण विमुख समास उदाहरण अस्त वश्याम यत अस्मिन् पाठे अधिकतया तत्पुरुष से समास एवं संति। आप बच्चों देख रहे हो इस पाठ में पहले भी बहुत सारे शब्दों में तत्पुरुष समास के ही उदाहरण मिल रहे हैं वृषभ वृषौ वृषभ शब्द बलिवर्द वृषभ वृष आदि बैल के लिए ही प्रयोग होता है तो वृषभ वृषौ अर्थात दोनों बैल छात्रा अस्मिन पाठे वृषभ इत्यस्य कृते बलिवर्द ऋषभ वृष पदानि आगतानि सारे आगात आगछत अथवा गतवान त्री दशा अधिपा, अर्थात दशानाम अधिपा, अर्थात् इंद्रा, त्री दशा अधिपा, इत्यत्र अपि तत्पुरुषा समासा वर्तते। व्यम् पाठस्य व्याकरण अनुसार पठित वंता, इदानीम् व्यम् पाठस्य अभ्यासम् कुर्मा। अभ्यासकार्यय यदि व्यम् पस्यामा, चेत् प्रथमा प्रश्ना अस्ति। एक पदेन उत्तरम लिखता छात्र अत्र विशेष ध्यानस्य से आवश्यकता अस्त अस्तर यथाशक्य एक पदेन एव एवं दातव्य बहुवार छात्र एवं कुरानी ते लेखनसमये समय एक पदेन उत्तरता इति निर्देशम न पठन्ति अपितु तो पूर्णेन वाक्येन उत्तर लिखती तद योग्यम नास्ति यदा कदापि वयम प्रश्न से निर्देशम पठा तो निर्देश से पालनम करनीय हमें बच्चों प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़ना होता है और उसी के अनुसार उत्तर देना होता है तभी हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तो आइए पहले प्रश्न के प्रथम भाग का में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है वृषभ दीन जान कह तम नुद्यमान आसीत उत्तरम भविष्य थी कि बैल को कमजोर जान करके भी कौन उसको नुदन करके बलात् जाने की कोशिश कर रहा था तो इसका उत्तर है कृषक वृषभ कुत्र पपाता वह बैल था वह कहां गिर गया था तो जैसा कि हमें कहानी में पता है कि किसान खेत को जोत रहा था और वहीं पे ही वो कमजोर बैल जुए को ढोने में समर्थ नहीं था वहीं गिर गया था तो अस्य उत्तर क्षेत्रे दुर्बले सुते कृपा भवति दुर्बले सुते कमजोर पुत्र में कस्याह किसकी अधिका कृपा भवती किसकी अधिक कृपा होती है तो जैसे कि पाठ के शीर्षक से ही पता है जननी तुल्यवत्सला जननी माता के लिए प्रयोग हुआ है तो अस् वयम विखा उत्तरम, उत्तरम भविष्यति मातु अथवा जनन पर्याय पदम अस्त जनन मातु इतना पर्यायवाची पदम अस्त अग्रिम भाग पशा क्यों एक शरीर दुर्बल आसी किन दोनों में एक शरीर से दुर्बल था तो दो बैल थे इसलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन का ही प्रयोग यहाँ करेंगे बलिवर्द भविष्य चंडवातेन मेघरव तेज हवाओं के द्वारा और बादलों के ध्वनि के साथ में क्या हुआ तो प्रवर्षा हा। वर्षा वर्षा हुई वृष्टि हुई तरी इदानिम वयम प्रथम प्रश्न से सर्वा पठितवतराणी ज्ञातव इधान द्वितीय प्रश्न पश्मा अधोलिखिता पुनः एकदा पठामी मैं दोबारा से इसलिए पढ़ रहा हूं क्यों क्योंकि आपको भी बच्चों अभ्यास होना चाहिए जब प्रश्न समझ में न आए वैसे भी दो बार पढ़ोगे तो अर्थ ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा अधोलिखिता प्रश्न नाम, नाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखता नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं छात्रों प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर आपको सदा पूरे वाक्य में देना है एक वाक्य भी हो सकता है या दो वाक्य भी हो सकते हैं कई बार तीन वाक्य भी हो सकते हैं पर यदि इस प्रश्न का उत्तर आप एक पद में देंगे वन वर्ड में देंगे तो उसमें आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे तरी प्रथम भागम पश्याम तो दूसरे प्रश्न के पहले भाग को देखते हैं क भाग कृषक किम करोति स्म कृषक किम करोति स्म उत्तरमस्ति कृषक क्षेत्रकर्षण करोति स्म और यदि आप इनका उत्तर अपने आप बना करके लिखना चाहते हैं यह उत्तर यदि लिख देते हैं कृषक क्षेत्र से कर्षण करो तो वो उत्तर भी आपका सही होगा खा भाग देखते हैं। माता सुरभि किम अर्थम अश्रूणी मुंचती स्म माँ सुरभि किस लिए अपने आंसू बहा रही थी उत्तरम अस्ति दुर्बलस्य पुत्रस्य पत्नम दृष्टवा पति तदा दृष्टि परिवार में बच्चों देखते हैं कि यदि हमें या हमारे छोटे भाई बहनों को कभी चोट लग जाती है या कोई कष्ट हो जाता है तो माता किस तरह से व्याकुल हो जाती है हमारी अपनी माँ भी तो उसी तरह से अपने एक पुत्र को खेत में ऐसा हाय निरीह अवस्था में पड़ा हुआ देख करके उस सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में भी आंसू भर आए थे गा, खंड को इसको देखते हैं ग भाग में क्या है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाती सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है तो बच्चों पुस्तक में ये दिया हुआ है एक बार इसका अर्थ जान लेते हैं आ, क्या उत्तर दिया है इसको देख लेते हैं भो वास्व पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी हे वासव हे इंद्र पुत्र की दीनहीन अवस्था को देख करके मैं रो रही हूँ सह दीन इति जानन अपि कृषकः तम बहुदा पीड़यति वह दीन है ऐसा हाय है ऐसा जानता हुआ वह कृषक उसे बहुत तरह से पीड़ित कर रहा है दुख पहुंचा रहा है सह कृच्छरेण भारम उद्वहती वह वृषभ बहुत कष्ट के साथ में भार का वहन कर रहा है इतरम इव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोती इतरम इव जो दूसरा बैल है बच्चों वह शक्तिशाली है तो यहाँ कहा है कि वह दूसरे बैल की तरह से आ, धुर जो जुआ है उसका भार ढोने में समर्थ नहीं है एतत भवान पश्यति न यह आप नहीं देख रहे हो इति सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति ऐसा सुरभि वह जो गाय है इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है तो बच्चों जहाँ पर भी किसी के वाक्यों को हम उद्धरित करते हैं इंग्लिश में कहे तो कोट करते हैं तो वहां पर के उसके वाक्य के बाद में इति शब्द का प्रयोग करके और हम उत्तर को पूर्ण करते हैं अब इसके भाग को देखते हैं मातु अधिका कृपा कस्मिन मातु माँ की अधिका कृपा अधिक कृपा कस्मिन भवती किसमें होती है कि उत्तरम भविष्य भवन चिंतंतु अस्तु अहम एव मा दुर्बले सुते अधिका कृपा भवती दुर्बले अर्थात अर्थ अस्ति सह तो माता की कमजोर बेटे पर सबसे अधिक कृपा होती है इंद्र दुर्बल वृषभ से कष्टा अकर्त कृतवान् इंद्र दुर्बल से कष्टानि अपाकर्तुम् महतीम वृष्टि कृतवान जननी कीदृशी भवती जननी सर्वेशु अपत्यु तुल्यवत्सला भवती पाठेस्मिन कयोह संवाद विद्यते पाठेस्मिन सुरभे इंद्र से च संवाद विद्यते अधुना तृतीय प्रश्न पशा क स्तंभे दत्ता पदनाम मेलनम् ख स्तम्भे दत्तैः समानार्थक पदैः कुरुता छात्राह अस्य उत्तर लेखन समये विशेष अवधानस्य आवश्यकता भवति उत्तरलेखन लेखन समये आदौ वयम् क इति स्तम्भं लिखामः ततः परम् सम्यक्तया विचार्य तस्य शब्दस्य पुरतः एव शुद्धं उत्तरं लिखामः छात्रो जहाँ पर मिलान करने का प्रश्न होता है वहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है हम सबसे पहले क स्तंभ के उत्तरों को लिखते हैं और उसके बाद में ख स्तंभ में जिस शब्द का उचित उत्तर होता उसी के सामने लिखते हैं लाइन से मिलान करना या अंकों से मिलान करना यह उचित नहीं होता तो अब हम देखते हैं साक्षात प्रश्न में क्या है कृच्छरेण काठिन्यन चक्षुर्भ्याम नेत्र जवेन द्रुतगतिया इंद्र पुत्र सुता शीघ्र अचिर बलिवर्द वृषभ अग्रिम प्रश्न पशा आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति सह केन भारम उद्वहति अथवा सह कथम भारम उद्वहति सुराधिपः ताम अपृछत कह ताम अपृछत अयम अन्येभ्यो दुर्बल अयम केभ्य दुर्बल धेनुनाम माता सुरभि आसीत कासाम माता सुरभि आसीत बच्चों धेनु शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन आया है इसलिए किम शब्द में हम षष्ठी बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग में तो काशाम शब्द बनता है कासाम माता सुरभि आसीत सहस्राधिकेशु पुत्रेशु सत्स्वपि स दुखी आसित कतिशु पुत्रेशु सत्स्वपि स दुखी आसित बच्चों एक चीज का और ध्यान देना है यहाँ पर यदि हम उत्तर लिखते समय उचित उत्तर को रेखांकित कर दे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें तो हमारे अंक और अच्छे आएंगे पंचम प्रश्न पश्या रेखांकित पदे यथास्थानम संधिम संधि विच्छेदं वा कुरुत कृषका क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत् कुर्वन् प्लस आसीत् कुर्वन्नासीत् तयोरेकः तयोः एकः तयोः धन एकः न धन उत्थितः नोत्थितः सत्स्वपि सत्सु धन अपि तथा धन अपि धन अहम् धन एतस्मिन् छात्रः अत्र अस्मिन् संधि अपि अस्ति वर्ण संयोगः अपि अस्ति तथा अपि इति वयम् यदा योजयामः तर्हि तथापि तथापि इति भवति तथापि धन अहम् इति यदि वयम् योजयामः तर्हि यण संधि भवति तथाप्यहम् पुनः अहम धन एतस्मिन् इति वर्ण संयोग अस्ति तर्हि उत्तरम् आगमिष्यति तथाप्यहम् एतस्मिन् अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदं कस्मै प्रयुक्तं सा च अवदत् भो वास्व अहम भृशं दुखिता अस्मि तो सा पदम अत्र सुरब्भ्याई प्रयुक्तम्, पुत्रस्य दैन्यम् दृष्टवा अहम् ब्रोदिमि, अत्र अहम् इति पदम अपि सुरब्भ्याई एव प्रयुक्तम्, अग्रेपस्यामहा, सह दीनः इति जानन् अपि कृषकः तम् पीडयति, सह दीन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है बच्चों दीन शब्द वृषभ के लिए आया है तो सह इति पदम वृषभाय प्रयुक्त मे बहूनी अपत्या सी अदम कस्म प्रयुक्त मेरी पदम अरभ्यई एव प्रयुक्त प्रयोग आया है सहच ताम एव ए अत्र सह इति अदम इंद्रा प्रयुक्त सहस्रेशु पुत्रु सत्स्वी तव अस्मिन् प्रीति ही अस्ति अत्र तव इति पदम सुरभ्यई एव प्रयुक्त क स्तंभे विशेषण पदम लिखित ख स्तंभे पुनः विशेष्य विशेषपदमस् मेलनम कुरुत कस्चि कृषक दुर्बल वृषभ क्रुद्ध कृषिवल सहस्राधिकु पुत्रु अभ्यधिका कृपा विस्मित आखंडल तुल्यवत्सला जननी प्रिय छात्र एता कथा वयम पठितवंत आशासे एषा कथा भवतां कृते मनोरंजिका सैत् पुनस्य अभ्यास कार्यम अभी वयम करतवंत अनेन परीक्षा दृष्टि अभी भवतां सिद्धता जाता अस्ति अग्रिमे भागे वयम एक नूतन पाठ आदा पुनः मिला भवे तावत् शुभम धन्यवाद